नमस्कार, मैं हूं तनीषा चौहान। स्पॉटलाइट हरियाणा के इस नए एपिसोड में हम फिर से हाजिर हैं और इस बार हम बात करेंगे राज्य के किसानों की। खेती बाड़ी अब मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। किसानों को मुनाफा तो दूर, लागत मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। रोहतक में 3 दिनों तक चली एग्री लीडरशिप समिट में इसी मुश्किल सवाल के जवाब को खोजने की कोशिश की गई। नतीजा क्या रहा, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा और खेतीबाड़ी एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। देश के अन्न भंडार को भरा पूरा रखने में हरियाणा के किसान की भूमिका बेहद अहम है। लेकिन बात अगर किसान की अपनी हालत की जाए तो स्थिति उत्साहजनक नहीं है। उसके सामने दरपेश समस्याओं की कमी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या निश्चित तौर पर उसकी आय में बढ़ोतरी करने की है। इन हालातों के बीच रोहतक में आयोजित होने वाली एग्री लीडरशिप समिट काफी मायने रखती है। किसान की आय कैसे बढ़े और उसके उत्पाद का बाजार उसे कैसे मिले, इसे लेकर समिट के दौरान गहन विचार विमर्श हुआ। किसान की सबसे बड़ी समस्या बाजार तक पहुंचने की है। समिट के दौरान डायरेक्ट मार्केटिंग और पैरी अर्बन कल्चर के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, यानी किस तरह किसान बिचौलियों की बैसाखियों के बिना सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे। इसके साथ साथ डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, मछली पालन और इस तरह के दूसरे विकल्प अपनाने का सुझाव भी किसानों को दिया गया। किसानों की हाजिरी को अगर सफलता का पैमाना माना जाए तो कह सकते हैं कि ये समिट काफी सफल रही। किसानों ने काफी कुछ सीखा भी और कुछ अपने दुखड़े भी बयान किए। समिट के दौरान सेमिनार्स और गोष्ठियों का सिलसिला भी चलता रहा। पैकेजिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे मुद्दे चर्चा में रहे। दुनिया लगातार छोटी होती जा रही है। पूरा विश्व ग्लोबल विलेज बनने लगा है। देशों में व्यापार लगातार बढ़ रहा है। एग्री प्रोड्यूस की मार्केटिंग को लेकर भी समिट में चर्चा हुई है। क्या रहा है खास, आइए देखते हैं। किसान के उत्पाद और उपभोक्ता बाजार के बीच तालमेल स्थापित करना बेहद जरूरी है। यानी कि कृषि उत्पादों की मार्केटिंग इस तरह से हो कि इसका लाभ किसान और उपभोक्ता दोनों को मिले। एग्री समिट के दौरान मार्केटिंग को लेकर कई सुझाव सामने आए। कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के किसान फल और सब्जियों पर तवज्जो दें, तो किसी का सुझाव था कि किसान विश्व बाजार को ध्यान में रखते हुए खास किस्म की फसलों की खेती करें। समिट में भाग लेने आए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने जीरो बजटिंग के विचार को पेश किया। दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी देसी गायों की नस्ल सुधार का एक अभियान चलना चाहिए ताकि 1-2 दूध लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। और उसी के साथ हमारी जो खेती है उसको रसायन मुक्त करके, और मैं जो खुद खेती करता हूँ उसका नाम जीरो बजट प्राकृतिक खेती है। ऐसी खेती जिसमें किसान 1 रुपए का भी खाद, यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड शहर से नहीं खरीदता। हम एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती करते हैं। एग्री लीडरशिप समिट के अगर मकसद की बात करें तो इसका मकसद साफ तौर पर किसानों में खेती को लेकर नई सोच को पैदा करना था। और समिट में खास तौर पर उन किसानों को तवज्जो दी गई है जिन्होंने खेती में कुछ परंपराओं से हटकर नया किया है। ना उन्होंने सिर्फ नया किया है बल्कि उसमें सफलता भी हासिल की है और दूसरों के लिए एक नई मिसाल भी कायम की है। अन्य व्यवसायों की ही तरह खेतीबाड़ी में भी कुछ नया करने वालों को सफलता हासिल होती है। एग्री लीडरशिप समिट में 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे किसान पहुंचे जिन्होंने अपनी अलग सोच के बूते पर शानदार सफलता हासिल की। इनमें कई किसानों को समिट के दौरान पुरस्कृत भी किया गया। प्रत्येक किसान उद्यमी को नगद इनाम के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। जो नेट हाउस और पॉली हाउस जो लगा रहे हैं, 65% गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। कहीं जालने की, कहीं डोलने की फाइल लगाओ, मतलब आदमी को जरूरत नहीं है भाई वहाँ उससे फोन करवाओ, मंत्री से फोन करवाओ, अपने आप घर बैठे सब्सिडी आ जाती है। और उसके बाद में 70 रुपया स्क्वेयर मीटर के हिसाब से इसकी फसल की सब्सिडी आती है जो पहली फसल हम लगाते हैं। तो किसान का कितना 10-15% पैसा लगता है, 10-15% पैसे में पहली फसल में हमारा रिकवर हो जाता है।
उद्यमशील किसानों को जहां पुरस्कारों से नवाजा गया, वहीं कुछ अन्य सितारे भी समिट के दौरान आकर्षण का केंद्र रहे। इनमें से एक था युवराज। युवराज करोड़ों की कीमत वाला मुर्रा नस्ल का भैंसा है। कुरुक्षेत्र जिले का युवराज हर साल अपने मालिक को लाखों रुपए कमा कर देता है। जींद जिले के भैंसे रुस्तम की भी मेले में खूब घूम रही। ये है रुस्तम गतोली इंटरनेशनल चैंपियन, जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चैंपियन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है किसानों की आय को दुगना करना, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है अगर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू किया जाए। हालांकि सीएम ने समिट में दावा किया है कि वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही किसानों को उनकी खेती का दाम दे रहे हैं। हालांकि किसान इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने वादा किया था कि किसानों को फसल के दाम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक दिए जाएंगे। एग्री समिट के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है। मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रहा है। हालांकि किसान सीएम के इस दावे से संतुष्ट नजर नहीं आए। किसानों का कहना था कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। एग्री लीडरशिप समिट के दौरान कई समझौते भी हुए हैं, साथ ही इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी खूब रही है। कितने फायदेमंद साबित होंगे ये कारोबारी समझौते, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एग्री लीडरशिप समिट के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साथ MOU साइन किया। इस समझौते के तहत इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हीट और वायरस रेजिस्टेंट वैरायटीज को विकसित करने में सहयोग देगा। लीडरशिप समिट में दो लीडरशिप समिट और है, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की लीडरशिप समिट मॉर्निंग में हुई और अभी आप देख रहे हैं फॉरेन डेलीगेट्स की लीडरशिप समिट चल रही है। 45 कंट्रीज के डेलीगेट्स ने इन तीनों दिनों में इस लीडरशिप समिट में हिस्सा लिया है। स्पॉटलाइट हरियाणा में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के साथ और साथ ही जानेंगे कि सरकार किसानों के लिए क्या नया लेकर आई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पॉटलाइट हरियाणा में अब हम बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के साथ और साथ ही जानेंगे कि अब सरकार किसानों के लिए क्या कुछ खास लाने वाली है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में। सर, बात करेंगे एग्री लीडरशिप समिट की। आपका मकसद जो था वो था कृषि के क्षेत्र में इनोवेशंस को लाना, तो आपको क्या लगता है कि कितनी उस दिशा में सफलता हासिल हो पाई है समिट के जरिए? तनिष्ठ, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके चैनल का आभार व्यक्त हूँ कि आपने एग्री लीडरशिप समिट को कवर करने के लिए कार्यक्रम रखा है और मुझे लगता है कि आप उसमें हमारे मददगार साबित होंगे, जो बात हम एग्री लीडरशिप समिट से किसानों को तक पहुँचाना चाहते थे। जो आपने कहा कि मैं इसको इस शब्द से शुरू करता हूँ कि एग्री लीडरशिप समिट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का विराट रूप है जी। तीन दिन में हम अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। नॉट इवन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, डेयरी, पशुपालन, हमारी यूनिवर्सिटीज, जितने भी हमारे काम हैं जी, आप हर काम को किसी न किसी रूप में उस तीन दिन की एक्टिविटी में देखते हो, उसके साथ जुड़ते हो और उसके साथ जुड़ के केवल हम नए इनोवेशंस दिखाते हैं, ये तो उसका एक छोटा सा पहलू है। हम नई दिशा देने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सारी योजनाएं बताने की कोशिश करते हैं और हम ये तय करते हैं कि अगले साल की खेती किस रास्ते पर जाए। पहले दो एग्री लीडरशिप समिट में लगभग 1,00,000 लोग आए, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो सब रिकॉर्ड टूट गए और हर 10वां किसान हरियाणा का एग्री लीडरशिप समिट में आया। आप चाहते हैं कि किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़े, गेहूं और चावल के चक्कर से निकल के और भी आगे बढ़े, लेकिन फसल को बाजार तक लाना एक अपने आप में चैलेंज है, मार्केट करना उससे बड़ा सवाल है, तो आप इस दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं ताकि किसानों को इससे ऊपर वो काम कर पाए? देखिए, दो चीजें जुड़ गई आपके इसमें, एक डाइवर्सिफिकेशन, एक मार्केट तक लाना। डाइवर्सिफिकेशन में हम उसको ये समझा रहे हैं कि हम खाद्यान्न का कटोरा हैं, लेकिन हम अपने उत्पादन के प्लेटू पर आ गए हैं।
13 करोड़ क्विंटल के लगभग अनाज वर्षों से हम गेहूं और धान मिलाकर केंद्रीय पूल में देते हैं, लेकिन हमारा ये आंकड़ा लगभग इसके आसपास ही है जी, क्योंकि हम अपने एक ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच गए। अब हमको कॉमर्शियल पशुपालन करके हम अपने दूध के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जो पारिवारिक पशुपालन है वो घट रहा है, तो वो भी एक प्लेटू आ गया है अगर कॉमर्शियल पशुपालन पे नहीं गए तो, पशुओं की संख्या एक स्तर पे आ गई है। तो इन सब चीज़ों को मुझे बदलना पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर को आमदनी भी बढ़ानी है और सस्टेनेबल भी बनाना है तो। आप पशुपालन की बात कर रहे हैं तो वो किसान कहते हैं कि बड़े घाटे का सौदा है। मैं इस बात पर आगे बढ़ता हूँ, तो पहली बात हम उसको ये समझा रहे हैं कि कौन सी चीज़ों में कितना कितना फायदा है। जैसे हमने कहा सर्वाधिक आमदनी कोई किसान ले रहा है तो वो पोल्ट्री का किसान है, उसके बाद कोई आमदनी ले रहा है तो वो मछली उत्पादन का किसान है, उसमें भी झींगा वाला ज़्यादा आमदनी में। फिर हम उसको बता रहे हैं कि उसके बाद जो आमदनी ले रहा है वो बागवानी का किसान है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि जो 3 क्रॉप ले रहा है धान सूरजमुखी आलू, इसका जो पैटर्न लिए हुए है वो ज़्यादा आमदनी ले रहा है। फिर गन्ने वाला इंटरक्रॉपिंग के साथ ज़्यादा आमदनी ले रहा है, मतलब ये घटते क्रम में बता रहा हूँ मैं। फिर वानिकी के साथ इंटरक्रॉपिंग वाला ले रहा है, उसके नीचे आते हैं तो गेहूं और धान वाला है, उससे नीचे आते हैं तो सरसों बाजरा कपास वाला है। तो ये इस तरह से क्रम है, ये ग्राफ है, बार डायग्राम है जो हमने बना के उनको बताने की समझाने की कोशिश की है। आप इधर से इस तरफ बढ़ोगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। 1 लाख रुपया ग्रोस इनकम, मैं अभी नेट नहीं कह रहा जी, मेरे शब्दों पर ध्यान दिया जी, गया जी, जी। कि वो ग्रोस इनकम प्रति एकड़ पहुंच जाए, इस टारगेट को मैं लेकर चला हूं। बाजारीकरण में देखिए एक सिंपल सी बात है, किसान जब खुद डायरेक्ट मार्केटिंग करता है तो जितना उसका उत्पादन से बेनिफिट से दुगुना और लेता है। मैं आपको एक छोटी सी बादली की कहानी बताता हूं। बादली में एक नौजवान ने 2.5 एकड़ में गाजर बोई हुई थी, मैं उसके खेत पर चला गया, मैंने कहा कैसे बिक्री कर रहे हो? बोले जी ठेके पर दे दिया 60,000 रुपये में। वही उसका ठेकेदार भी खड़ा हुआ था, इसने ठेके पर लिया। मैंने कहा ठेकेदार कौन है? बोला जी येरा। मैंने उसको बुलाया, कहाँ के? बोला जी बुलंदशहर का हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ बेचते हो? बोला जी मैं आज़ादपुर मंडी बेचता हूँ। तुम कितने में बेचते हो? 2,40,000 में। दोनों साथ साथ खड़े हैं, और वहाँ से आज़ादपुर मंडी 50 किलोमीटर नहीं है। अगर यही नौजवान को आज़ादपुर मंडी बेच कर आता तो वो 2,40 लेता, अभी 60 ले रहा है। ये जो गैप है सब जगह हमको ख़त्म करना पड़ेगा। हम तो ये आह्वान कर रहे हैं कि जो यूथ है, जो आईटी को जानता है, जो ऐप बना सकता है, वो गाय भैंस की पीजी खोले जी। 17-18 मंजिले में जो रहने वाला आदमी है, तबेला उसके पास नहीं है, अपना कोई पशुधन का बाड़ा नहीं बना सकता, हम डेयरी बना रहे हैं शहरों के आसपास, प्लाट दे देंगे। कोई एंटरप्रेन्योर आगे आए कि मैं 100 गाय की पीजी बनाऊंगा, मैं 100 भैंस की पीजी बनाऊंगा, मालिक की भैंस होगी, मालिक के हिसाब से मेनू होगा चारे का, और मालिक को दूध जाएगा और ऐप से कनेक्ट होगा। ऐसी डिवाइस आई हुई है गड़पटिया, इजराइल ने बनाया है जी, कि जो उस पशु की दिन भर की सारी एक्टिविटी मालिक के पास पहुंचाता रहेगा, उसने कितना चारा खाया है, कितनी देर खड़ी रही है, कितनी देर बैठी रही है, कितनी जुगाली की है, क्या उसकी मोमेंट हुई है, उसने कितना दूध दिया है, बहुत बड़ी बात है, और कितने बजे दिया है। अच्छा हाँ, कितने बजे दिया है, कितना दूध दिया है, एवरी मोमेंट की उसकी जो है जानकारी ऐप पर रहेगी। तो जब मालिक अपने पशु से टच में भी रहेगा, हरियाणा दिल्ली के बाजार के सबसे निकट है जी। और हमने अपनी इस लोकेशन का फायदा नहीं उठाया, फायदा नहीं उठाया। जैसे सिंगापुर अपने लोकेशन के कारण से संपन्न है, और कोई कारण नहीं है। हांगकांग अपने लोकेशन के कारण से संपन्न है। हम दिल्ली के बाजार की जरूरत के हिसाब से डिमांड बेस्ड एग्रीकल्चर करें, और उनकी जरूरत के हिसाब से पैकिंग उसकी करें, उनकी जरूरत के हिसाब से उस डिजाइन में भेजें। इसको हमने पेरी अर्बन एग्रीकल्चर का कंसेप्ट दिया है, और अब हम हरियाणा को इस अन्न के कटोरे की बजाय फल फूल सब्जी मछली पोल्ट्री का कटोरा बनाकर और उस तरह से इस मार्केट में प्रेजेंट करना चाहेंगे। सर, आप बार बार बात करते हैं कि किसानों की आय को दुगना करना है, उसमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, उसी के अनुसार दाम देना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपकी सरकार दावा करती है कि आप उन्हीं के अनुसार दावा जो है वो दाम दे रहे हैं, लेकिन ना तो इस बात को किसान मानते हैं और ना ही विरोधी मानते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों के सवाल में, आपके द्वारा आए सवाल में थोड़ी जल्दबाजी है। पहली बार सरकार ने वादा किया है कि हम आने वाली खरीफ की फसलों से स्वामीनाथन के हिसाब से दाम देंगे। 18 खरीफ जब धान की फसल आएगी तब का दावा है। अच्छा जी, उस दावे जी को पूरा करने के लिए काम पर लगी हुई है सरकार। देखिए दलहन तिलहन, इसमें पहले भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि इनका देश में उत्पादन कम है।
और उत्पादन कम होने से इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार इनके पैसे बढ़ाती रहती है, लेकिन खाद्यान्नों में ऐसा नहीं है, गेहूं में, धान में, बाकी खाद्यान्नों में, क्योंकि खाद्यान्नों की क्रॉप कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाए इसलिए उस पर नहीं जा रहे थे। लेकिन अब जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके लिए मैंने आंदोलन किए थे देशव्यापी, बड़ी चर्चा होती है कि मैंने कुर्ता उतार के भी आंदोलन किया था, मेरी फोटो लगाते हैं, मेरा रेवाड़ी की रैली का एक भाषण है उसको भी बहुत वायरल किया जाता है, लेकिन मुझे खुशी है कि उसकी दो बड़ी आर्थिक सिफारिशें थी। एक 10,000 रुपये मिनिमम मुआवजा सरकार देना शुरू करे, 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, हमने वो 12 कर दिया, और दूसरा फसल बीमा शुरू करे, वो हमने कर दिया, तीसरा ये 50% प्रॉफिट के साथ पैसा दिया जाए, ये भी इस खरीफ की फसल से चालू हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति जब किसी मुद्दे को लेकर जीवन में लड़ता है और अपनी आँखों के सामने उसको पूरे होते हुए देखता है तो उससे बड़ी कोई प्रसन्नता नहीं हो सकती। तो खरीफ 18 से 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम आएंगे, ये इसकी बहुत ही, मतलब मैं कहूँगा कि प्रतीक्षा हम भी उसके साथ चाव के साथ कर रहे हैं। सर, आपकी उपलब्धियों की लिस्ट लंबी है, आप बार बार गिनाते हैं, लेकिन किसान फिर भी सड़कों पर आते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं, तो वो धरातल पर ये तस्वीर क्यों है? देखिए, एक तो हमेशा सड़क पर आना ही चाहिए। अच्छा। मैं तो खुद सड़क का आदमी हूँ, मैं हूँ आदमी सड़क का। देखिए, जब तक आप अपनी बातों को, अपने मुद्दों को पहुँचाएंगे नहीं, अपने मुद्दों को मुद्दे नहीं बनाएंगे, तब तक उसमें चीज़ें निकलती नहीं हैं। अच्छा, मुद्दे कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। देखिए, अगर नहीं तो राम के समय ही सारे काम हो जाते, भगवान कृष्ण जी के समय सारे काम हो जाते, इसके बाद दुनिया में तकलीफें बचती ही नहीं। ये तो एक अनवरत प्रक्रिया है। चुनौतियां तो उत्पन्न हो रही है, लेकिन कई मुद्दे जो हैं वो काफी पुराने चले, आज भी किसान जो है सड़कों पर अपना जो उत्पाद है वो फेंक रहे हैं विरोध स्वरूप, आज भी आलू फेंके जाते हैं, उनको उनकी फसल के दाम नहीं मिलते हैं, तो वो स्थिति तो वो पुरानी है जो आज भी चली आ रही है। कोई 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 है पहला जिसने कहा है मत फेंकना, वो मैं हूँ पहला जिसने कहा है कि भावांतर भरपाई देंगे, अब सड़क पर मत फेंकना, लेकिन उस योजना का लाभ लेने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। अभी प्याज और टमाटर को हमने पहली बार सिक्योर किया है संरक्षित मूल्य में, और 1 अप्रैल से शुरू है, और 1 अप्रैल से किन के लिए शुरू है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, 10,000 एकड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अब वो उनको मिलेगा। अब जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था उसको सजग होना पड़ेगा कि अगली बार मैं रजिस्ट्रेशन कराऊं, क्योंकि बाजार में देखिए आपको बेनिफिट लेने के लिए जागरूक होना पड़ेगा, अगर आप जागरूक नहीं है तो बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। इसलिए ऐसी प्रोटेक्टेड योजना संरक्षित मूल्य हमने दे दिया है, आपको जागरूक होना पड़ेगा कि आप उसका बेनिफिट ले सको। कई बार हमको हैरानी होती है कि देवदूत जैसी अपेक्षा होती है। नहीं नहीं सर, 3.5 साल हो गए हैं तो देवदूत जैसी अपेक्षा तो नहीं है। नहीं, कब से अरे योजना तो मैं इसे 1 तारीख से लाया हूँ, 1 जनवरी से। हर योजना का एक अपना समय है। इसका तो मैंने कोई वादा भी नहीं किया था भावांतर भरपाई का। अगर हम प्रधानमंत्री फसल योजना की बात करते हैं, न्यू वर्ड इन एग्रीकल्चर एरिया, कहीं शब्द भी नहीं था। वहीं सर, अगर हम प्रधानमंत्री फसल योजना की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि लोग इससे जुड़े, लेकिन किसान इसे अपनाना नहीं चाहता है, क्यों अभी तक इस योजना को लेकर वो इतने कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं? वो पुराने सिस्टम है, चाहे वहाँ पर भ्रष्टाचार धांधली ज़्यादा थी, लेकिन लोग इस योजना को लेकर इतने रिलक्टेंट क्यों हैं, आपको क्यों लगता है? कहीं भी नहीं, कहाँ नहीं, नहीं सर, कोई आंदोलन है? हर जगह विरोध है, कोई आंदोलन है, केवल कुछ नेताओं ने भरम फैलाने की कोशिश की। हरियाणा के 2.5 लाख किसानों तक इसका बेनिफिट पहुंच गया, 2,500 गाँव तक पहुंच गया, विपक्ष का विरोध टाएँ टाएँ फीस हो गया, क्योंकि ये विरोध वो लोग कर रहे थे जो अपने आप को तथाकथित किसान नेता मानते हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, 10 साल करते रहे, 5 साल करते रहे, किसानों के लिए 4 चीज़ों की लिस्ट नहीं बता सकते, हमने ये किया। सर, आपसे आखिरी सवाल, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हालांकि आपका दावा है कि सब ठीक है, लेकिन नहरों की बात करें, आप कहते हैं कि टेल तक पानी पहुंचा, लेकिन धरातल पर ये चीज़ें उस तरह से नहीं है पूरी तरीके से। अगर हम बात करते हैं नए सोर्सेज विकसित हो, उस पर क्या काम हो रहा है, और खासकर दक्षिण हरियाणा की बात करते हैं तो कई समस्याएँ हैं। देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि समस्याओं का समाधान ऐसे कहा, इशारा किया और हो गया, ऐसा नहीं, प्रयास करने पड़ते हैं। 143 करोड़ रुपया सबसे पहले हमने, मैं जब सिंचाई मंत्री था तो दक्षिणी हरियाणा के लिए दिया, उनके सारे पंप बदलवा दिए हैं, उनकी नहरों की मरम्मत करा दी है, लाइनिंग फिर से करा दी गई है, उनकी जो उबड़ खाबड़ नहरें थी वो सारी बंद पड़ी थी, उनको साफ़ सुथरा करा कर, और केवल आप कहेंगे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल,
7 टेल बची हैं जिनमें पानी नहीं पहुंचा। आप खुद जाइए, सर्वे करके आइए, पूछ कर आइए, व्यापक प्रशंसा है। हाँ, 23 टेल बची हुई है मेवात में जिनमें पानी नहीं पहुंचा। हमको अभी वहाँ भी काम करना है, हमारे ध्यान में है, लगातार उस विषय पर काम कर रहे हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम काम कर रहे हैं कि माइक्रो इरीगेशन पर जाएं। सब्सिडी बड़ी रखी गई है और 60% से 90% तक दे रहे हैं, सभी डार्क जोन के 36 ब्लॉक में दे रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार ने खुद हर खेत को पानी के माइक्रो प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। आप अच्छी स्टोरी कर सकते हो, पेवा के पास है, मेरे अमादलपुर में है, सुबाना में है, पानीपत है, 14 शुरू हो गए और 140 अगले साल में हम करने वाले हैं। और ऐसा एक योजना ला रहे हैं जिससे किसान खुद जो है उसका बेनिफिट ले सके, यानी 200-300 एकड़ के किसान इकट्ठे होकर आ जाएं कि हम शुरू करना चाहते हैं, तो आधा पैसा सरकार देकर लगाने के लिए तैयार हो जाएगी और प्रायोरिटी भी इस पर लग जाएगा। तो ऐसे पानी का मैनेजमेंट प्रदेश में अच्छा हो, इसके लिए भरपूर प्रयास हो रहा है। क्योंकि हमारे ध्यान में है कि हमारा पानी का बजट 2 करोड़ एकड़ फुट हर साल अभी यूज हो रहा है और जिसमें 40 लाख एकड़ फुट का हर साल घाटा है, क्योंकि जो सरफेस वाटर है, नहरी पानी है, वो 1 करोड़ एकड़ फुट है और आधा सिंचाई हम ट्यूबवेल से करते हैं, उससे भी 1 करोड़ एकड़ फुट निकालते हैं। लेकिन रिचार्ज जो है जी, वो 60 लाख एकड़ फुट होता है। 40 लाख एकड़ फुट का घाटा हमको डार्क जोन में बदलता जा रहा है। तो इस तरह से कभी भी इसकी पूर्ति हो नहीं सकती जी, तो इसकी पूर्ति कैसे हो, तो उसके लिए पानी का मितव्ययता, रिचार्जिंग, रिसाइकलिंग, ये सब करना पड़ रहा है और उस काम में लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आपको सब चीज़ें ध्यान में है, कहाँ हुआ है कहाँ नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर भी बहुत जल्द होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पॉटलाइट हरियाणा में एग्री लीडरशिप समिट को लेकर ये थे हमारी खास रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे हरियाणा से जुड़े नए मुद्दे को लेकर। मुझे दे इजाज़त।